खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। न्यूज आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। हम पहुंच गए हैं माता सीता की जन्मस्थली, आप समझ गए होंगे बिहार के सीतामढ़ी का मैं जिक्र कर रही हूं। जोरदार तालियों से स्वागत, एबीपी न्यूज की तरफ से आप सबका अभिनंदन। ये देखिए तादाद में आज लोग सीधा सवाल में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं यहां माता सीता की जन्मस्थली से, उनकी जन्मभूमि से। बात इस चर्चा पर होगी या चर्चा इस बात पर होगी कि योगी आदित्यनाथ मंदिर मंदिर जाकर वोट कमाएंगे, उनके ऊपर 72 घंटे का बैन लगाया हुआ है। मायावती को ये पसंद नहीं आ रहा है कि वो मंदिर मंदिर जा रहे हैं, हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं, दलितों के घर पर खाना खा रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ चुनाव आयोग के उस बैन का इस्तेमाल जो कर रहे हैं वो विपक्षियों को पसंद नहीं आ रहा है। तो ऐसे में सवाल ये है कि अव्वल तो आप ऐसे बयान क्यों देते हैं, और जब बयान दे देते हैं तो उसका तोड़ कानून के दायरे में रहकर ऐसे निकालते हैं मानो चुनाव आयोग से आप बदला ले रहे हो। इसी मसले पर हम बात करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ यहाँ स्टेज पर मौजूद है और यहाँ पर शानदार जनता, जानदार सीतामढ़ी की जनता भी है। तो सवाल हम करें उससे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए कि प्रचार पर पाबंदी, तो एक नया तरीका अपनाएंगे योगी। प्रचार पर पाबंदी के दौरान चार शहरों में योगी का टेंपल रन, लखनऊ, अयोध्या, गोंडा और वाराणसी के मंदिरों में पूजा। अयोध्या में अनुसूचित जाति परिवार के घर खाना खाने पहुंचे, प्रचार की पाबंदी हटते ही मायावती का योगी पर निशाना। चुनाव आयोग की पाबंदी का खुला उल्लंघन करके यूपी के सीएम योगी मंदिरों में जाकर और दलित के घर बाहर का खाना खाने का ड्रामा करके उसको मीडिया में प्रचारित प्रसारित करवाकर चुनावी लाभ लेने का गलत प्रयास लगातार कर रहे हैं। मायावती ने चुनाव आयोग पर भी उठाए सवाल। चुनाव आयोग योगी के प्रति मेहरबान क्यों है? अगर ऐसा ही भेदभाव और बीजेपी नेताओं के प्रति चुनाव आयोग की अनदेखी व गलत मेहरबानी जारी रहेगी तो फिर इस चुनाव का स्वतंत्र व निष्पक्ष होना असंभव है। मायावती के आरोपों पर योगी की तरफ से पलटवार। किसी के व्यक्तिगत निमंत्रण पर उसके घर भोजन करना, व्यक्तिगत आस्था के तहत पूजा करना आयोग के निर्देशों का उल्लंघन कैसे हो सकता है? प्रचार पर पाबंदी में मंदिर जाना मना है। आपको ये बता दें कि इस जन्मभूमि पर सीता की जो चुनावी लड़ाई है वो किन किन लोगों के बीच में हो रही है। चुनावी गणित को आपको समझा दें, यहाँ की 17 लाख जो पॉपुलेशन है वो किस धर्म और जाति में बटी हुई है वो भी आपको बता दें, उसके बाद इस बहस की शुरुआत करेंगे। तो आपके सामने आएगा एबीपी न्यूज का वो खास हेलीकॉप्टर जो बताएगा आपको कि चुनावी मैदान में इस बार कौन कौन अपनी ताकत को आजमा रहे हैं। हमारे साथ अभी जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, एनडीए से जेडीयू ने पूर्व मंत्री हैं कुमार पिंटू, उनको मैदान में उतारा है। ये आया आपके सामने हेलीकॉप्टर। सीतामढ़ी का संग्राम आप देखिए, दो तरफा संग्राम इसे कहा जा रहा है। हालांकि निर्दलीय माधव कुमार चौधरी के मैदान में आने से ये मामला जो है वो त्रिकोणीय हो गया है। जेडीयू के सुनील कुमार पिंटू वर्सेज आरजेडी के अर्जुन राय। अब आप देखिए जेडीयू के जो साहब है वो कभी बीजेपी में हुआ करते थे और आरजेडी के जो साहब है वो कभी जेडीयू में हुआ करते थे। अभी ये अदला बदली हो गई है, यही है सीतामढ़ी का संग्राम। कुल वोटर कितने हैं? मुस्लिम 3.5 लाख है यहाँ पर, भूमिहार जो है वो लगभग 2 लाख बताए जा रहे हैं, यादव 2.5 लाख है यहाँ पर, मुस्लिम 3.5 मैं बता चुकी हूँ, और वैश्य जो है वो 1.5 लाख है। सीतामढ़ी का संग्राम आपके सामने है। पहले जो 2014 का परिणाम था वो भी आपके सामने रखते हैं। आरएलएसपी जो है उसको 45.67% पहले वोट मिले थे, जेडीयू को 10.79% वोट मिले थे, आरजेडी को 29.24%। आरएलएसपी ने जीत
दर्ज हासिल की थी, लेकिन उसके बाद आप जानते हैं क्या हुआ। आरएलएसपी जो है वो एनडीए से नाराज हो गई और अब कांग्रेस और गठबंधन का दामन थाम लिया है। मतलब सीतामढ़ी का जो चुनाव है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो खास मेहमान हमारे साथ है उनसे भी आपका तारुफ करा दूं और जोरदार तालियां बजनी चाहिए। हमारे साथ जेडीयू से श्री रामेश्वर कुशवाहा है, विधान पार्षद। हमारे साथ कांग्रेस से श्री विमल शुक्ला है, अध्यक्ष सीतामढ़ी के। हमारे साथ बीजेपी से राम नरेश यादव है जो कि पूर्व विधायक हैं। और जब यहाँ वादा किया था एबीपी न्यूज ने कि हम तमाम साथियों को यहाँ बुलाएंगे, प्रवक्ताओं को और नेताओं को यहाँ बुलाएंगे, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से एक मैम भी यहाँ पर आई। उन्होंने कहा हमें मंच नहीं दिया, तो हमने वादा किया कि आपकी आवाज जरूर पहुंचाएंगे। मैम आप अपना तारुफ करवा दीजिए। मैं रीना श्रीवास्तव, मैं प्रदेश कोषाध्यक्ष हूँ। आम आदमी पार्टी ने पहली बार दस्तक दी है लोकसभा चुनाव में, तो और माधव जी हम चाहेंगे माधव जी खुद आए, लेकिन निर्दलीय जो चुनाव यहाँ पर लड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो भी सीधा सवाल में हिस्सा लेने के लिए आ गए हैं। आप उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं जी, जी, जी। अब निर्दलियों के भी रिप्रेजेंटेटिव, वाह वाह। यहाँ दल बदलू, दल बदलू का सीतामढ़ी में, दल बदलू और बहुरूपिया का सीतामढ़ी में नहीं है कोई काम, हर वोटों पर केवल है माधव चौधरी का। हाँ तो पूर्व विधायक साहब राम नरेश जी, दल बदलू कहा जा रहा है आपके प्रत्याशी को, तो माँ जानकी के इस जन्मस्थली पर सभी लोगों का हम अभिनंदन करते हैं। अरे हमारे यहाँ कहाँ दल बदलू है, दल बदलू तो आप लोगों के यहाँ है। ये एनडीए के हमारे साथी हैं, नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल में पिंटू जी मंत्री थे एनडीए में, भाजपा के तरफ से हम तो साथी हैं, एक साथ हैं, सुख दुख में रहने वाले हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं पार्टी कोई भी नेता सब एक ही होते नहीं, हैं। नहीं हम लोग एक एक गठबंधन में हैं। हाँ पार्टी बदल लेने की हम लोग गठबंधन में हैं। मैं सबसे पहले साहब के पास जाना चाहूंगी क्योंकि थोड़ा नाराज नजर आ रहे थे। बताइए आपका सवाल। अरे सवाल पूछिए भाई, सवाल पूछिए, जो नाराज है हम उनके पास सबसे पहले आते हैं। सवाल मेरा यह है कि सीतामढ़ी में जितने कैंडिडेट्स हैं वो सब नजर नहीं आ रहे हैं, एक ही गठबंधन के दो दो नेता यहाँ नजर आ रहे हैं, आरजेडी के लोग नहीं हैं, बहुजन ये आम आदमी पार्टी जो है उनको नीचे बैठा लग गया है। ओ, तो आप चाहते हैं उनको सर पर बिठाया जाए। बहुत शानदार, बहुत शानदार, ठीक है उनको सर पर बिठाया जाए। लेकिन 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 जो हमारे साथ आरएलएसपी के यहाँ साहब है, जनता दल या जनता दल से जो हमारे साथ है रामेश्वर कुशवाहा साहब, आप जरा ये बताइए मंदिर जाने से किसी को आपत्ति हो सकती है क्या? माइक माइक सर। सबसे पहले सीतामढ़ी माँ जानकी की प्रकट स्थली से मैं एबीपी न्यूज के सभी दर्शकों को स्वागत और नमस्कार प्रणाम सलाम करता हूँ। देखिए कि धर्म धर्म जिसका जो धर्म है वो मंदिर मस्जिद जो भी अपने जाते हैं, मुझे नहीं लगता किसी को आपत्ति होनी चाहिए। और जो लोग आपत्ति कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं घबराहट में है, मुझे ऐसा लगता है, जिस कारण से उनको आपत्ति है। जो हिंदू है वो मंदिर जाएंगे, जो मुस्लिम है वो मस्जिद जाएंगे, जो ईसाई है वो अपने धर्म को जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि इसमें राजनीतिकरण करनी चाहिए। आप कहाँ जाएंगे? हम तो हिंदू हैं, मंदिर जाएंगे मैडम। बहुत बढ़िया, माँ जानकी की धरती से है, माँ जानकी को प्रणाम सलाम। बहुत बढ़िया। तो आप ये मानते हैं कि योगी अगर मंदिर जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उनको बजरंग बली पर विश्वास है और अली पर विश्वास नहीं है, तो वो सही कह रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कह रहे हैं, मैंने ऐसा उनका कोई न्यूज देखा नहीं है। अरे सर कान खोल दिया कीजिए ना, जब ऐसी खबरें आती हैं। बात सुनिए मैडम, मेरी बात सुनिए, नहीं ऐसी खबरें आती हैं। ये देश एक मिनट मुझे समय दीजिए, एक मिनट समय दीजिए। एक दिया ना समय दिया मैंने शुक्ला जी। नहीं ये देश सभी जातियों धर्म का है, मैं कहता हूँ सब दिक्कत हो रही है, सबको मानो, लेकिन मायावती को क्यों दिक्कत हो रही है? राहुल जी भी तो वायनाड में जा रहे हैं, मंदिर मंदिर टेंपल रन तो वो भी खेल रहे हैं आजकल। किसी को कहीं जाने में कोई रोक नहीं है, ये लोकतंत्र का देश है, ये महात्मा गांधी का देश है, बुद्ध का देश है, ये कहीं ये नहीं होनी चाहिए। माँ जगत जननी जानकी की भूमि शक्ति की धरती पर आप आई हैं, आपको बधाई और धन्यवाद देते हैं एबीपी न्यूज को कि आपने माँ जानकी के जगह को चुना है। आप तो ऐसे बिहार के हर लोकसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, लेकिन सीतामढ़ी में माँ जानकी की शक्ति भूमि को आपने चुना है, और विशेष करके इस राधा कृष्ण गोयनका कॉलेज जो बिहार में अन्य कॉलेजों से भी सबसे ऊपर स्थान रखा। हमने तो माँ सीता की जन्मभूमि को चुन लिया, आपने माँ सीता की जन्मभूमि आपको चुनेगी?
जहां आप मायावती पार्टी को चुनेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये यहां के मुद्दे क्या है? हाँ सर सुनिए एक सेकंड, हम पूछना चाहते हैं महागठबंधन वालों से कि अर्जुन राय एक्सप्लेन करते हैं कि दौड़ के उस पार्टी में जाए, दौड़ के इस पार्टी में जाए, सीतामढ़ी को यह क्या समझ लिए हुए ये लोग। दोनों से पूछना चाहता हूँ, दोनों से पूछना चाहता हूँ। बहुत नहीं नहीं, मैं दोनों से प्रश्नकर्ता को बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस बार मैं स्पष्ट रूप से जगह जगत जननी जानकी की भूमि पर हूँ, सभी दल के समर्थक यहाँ हैं। निश्चित रूप से सभी दल के लोग बिहार में इस बार गलती किए हैं कि कहीं ना कहीं दूसरे दल से आकर, सभी दल चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, जदयू हो, आरजेडी हो, सभी लोगों ने गलती किया है। क्या हो गया इसमें कहीं कोई मेरा? शुक्ला जी वहाँ आपको जनपद से फोन आ जाएगा कार्यक्रम खत्म होने के बाद। चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए, कहीं से कोई फोन नहीं है। माधव भैया सभी दल के लोग माधव भैया जीतेंगे सीतामढ़ी में। अरे बाप रे, गजब है समर्थक है माधव भैया के, हैं क्या करेंगे माधव भैया को? माधव भैया दूसरा से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। आप पिंटू पाल साहब चार बार विधायक थे, एक बार मंत्री थे, या क्या? अरे वो शुक्ला जी तो 70 साल से मेहनत कर रहे हैं, यह कुछ नहीं किया, कोई पार्टी वाले यह कुछ नहीं किया। माधव भैया 2 साल से यह मेहनत कर रहे हैं। माधव भैया ने भेजा है आपको? हाँ, सबसे पहले हम मीडिया लोग के धन्यवाद देते हैं, पटना में भी मैं मीडिया लोग नहीं सर, एबीपी न्यूज, न्यूज को धन्यवाद देते हैं। आपने भी पटना में जब मैं आंदोलन किया, आमरण अनशन किया, उसमें आप शरीक हुए थे। सवाल पूछिए ना सर। और इस सीता की धरती है, जो सीता के साथ छेड़छाड़ करेगा उसका नाश होगा। मैं पहले भी कहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ। इशारा किसकी तरफ है? एनडीए यहाँ आ जाए, बहुमत से जीत रही है चुनाव, उसमें शुक्ला जी आपके लिए है, आपके लिए। एक जवाब दीजिए सर, और आपको आपको ये बता दें कि हमारे साथ अर्जुन राय साहब प्रत्याशी है राष्ट्रीय जनता दल के, राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत एक बार फिर से आपको स्वागत करना होगा सर। नमस्ते, मेरा सवाल आप सुन नहीं पाएंगे इसीलिए मैं स्टेज पर आ गई हूँ। आप प्रत्याशी हैं, जरा ये बताइए कि क्यों जनता आपको चुने? माइक लीजिए सर, क्यों जनता आपको चुने? मैं आपको बता दूं जी, मैं आपको बता दूं, आजादी के 70-72 साल के इतिहास में जितनी भी सरकारें और जनप्रतिनिधि मिलकर के सीतामढ़ी में विकास के काम नहीं किए, अकेले हमने 20,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की स्वीकृत करा करके काम करा दिया। इसलिए आज पूरा सीतामढ़ी एक तरफ है और बयार चल रहा है, कोई एनडीए के तरफ नहीं है, पूरा सीतामढ़ी एक तरफ है। हाँ, बयार ला दिया इन्होंने, इनकी तो सरकार नहीं फिर भी बयार ले आए हैं, गजबे कर दिया इन्होंने तो। आपने, आपका चैनल ने ही तो कुछ दिन पहले रिपोर्ट दिया कि अर्जुन राय जीत की बाजी मार दिए और एनडीए ने अपना पहलवान वापस कर दिया, उनका हार इसी से तय हो गया। सवाल बड़ा है, नीतीश कुमार जी पहलवान वापस कर दिए, डॉक्टर साहब का टाइम पर टिकट बदला क्यों गया? एंड टाइम पर आपने अपना प्रत्याशी क्यों बदल दिया? नहीं, वो तो नेतृत्व है और नेतृत्व ने जो निर्णय लिया उसके नेतृत्व साथ आपका या इनका तगड़ा वाला? नहीं नहीं, हमारा जो क्या आप पीछे हो गए? देखिए, इनके नेतृत्व को मैं चुनौती देता हूँ कि मोदी जी या नीतीश जी आके फरियाले, वो भी जीतने वाले नहीं है, उन्हें भी परास्त कर देंगे। ये पहले ही हार चुके हैं। हाँ। और आप इसकी चिंता न करें, यहाँ 80% वोट एक तरफ है, 20% ये पुराने साथी है आपके, पुराने साथी है, चैलेंज कर रहे हैं आपको। ऐसा हो तो रिजल्ट बताएगा 23 तारीख को कि 80% जनता किधर है। बट मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। और अच्छा दर्शकों को मैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। एक सेकंड, मैं जरा एबीपी न्यूज के दर्शकों को बता दूं कि जैसे ही पता चला एबीपी न्यूज का कार्यक्रम यहाँ सीतामढ़ी में हो रहा है, बहुत कम ऐसा होता है, और आप लोग सब बधाई के पात्र हैं, सारे नेता, बहुत कम ऐसा होता है कि मंच पर आने को तैयार होते हैं चुनावों के दरमियान, और यहाँ देखिए एक के बाद एक उम्मीदवार जो है वो यहाँ पहुँच रहा है। आप सभी का बहुत बहुत मैं जो है अभिनंदन करती हूँ, लेकिन आप जरा आम आदमी पार्टी के, एक सेकंड जल्दी से एक सवाल पूछिए और बताइए आपके क्यों आपके झाड़ू को इस बार वोट दिया? मैं बस
बहुत सारे कार्यकर्ता आ गए, बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ पर। मैं महागठबंधन के उम्मीदवार अर्जुन राय जी से पूछना चाहता हूँ, वे कह रहे हैं कि मैं बहुत विकास किया हूँ, मैं कह रहे हैं कि मैं बहुत विकास किया हूँ, तो मैं उनसे वो इतना ही विकास किया है कि सीतामढ़ी को उन्होंने नक्सली क्षेत्र घोषित करवाया, सीतामढ़ी को उन्होंने नक्सल क्षेत्र घोषित करवाया, जिसके साथ जिसके चलते नक्सली क्षेत्र। राय साहब सवाल आपके लिए है, ऐसा विकास किया कि आपने नक्सली क्षेत्र घोषित करवा दिया सीतामढ़ी को। बिहार सरकार में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने ही रिपोर्ट भेजा कि सीतामढ़ी में नक्सल गतिविधि है, और तब भारत सरकार के प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्ट्री ने किया ये इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान से जुड़ा, और 20,000 करोड़ रुपए उसी में आए जिससे सीतामढ़ी का तस्वीर बदला है। नीतीश कुमार ने ऐसा किया था, नीतीश कुमार ने रिपोर्ट भेजी थी। देखिए डॉक्टर अर्जुन राय साहब जो कुछ भी कह रहे हैं उन्हीं को ज्यादा बेहतर पता होगा, लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी ने सीतामढ़ी के साथ साथ पूरे बिहार के विकास के लिए जो किया है वो पिछले 13 सालों से आपको दिख रहा है। आने का रास्ता नहीं था सीतामढ़ी तक आने का रास्ता नहीं था पटना से। सीतामढ़ी को चमका दिया है नीतीश कुमार, पूरे बिहार को विकास के रूप में नीतीश कुमार जी ने क्या किया ये आपके सामने मैं कॉलेज बता रहा है। कोई भी विद्यार्थी किसी कॉलेज में और बिहार के किसी स्कूल और हाई स्कूल में नहीं है, और कहीं भी कोई पढ़ाई नहीं हो रही है, ये नीतीश कुमार फेलियर है। मैडम एक मिनट दीजिए। देखिए जब माननीय मुख्यमंत्री जी 24 नवंबर 2005 को शपथ लिए थे मुख्यमंत्री का, 13% बच्चे स्कूल से बाहर थे। आज आप पता लगाइए less than 1% बच्चे स्कूल के बाहर है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने बच्चों को स्कूल तक पहुंचाया और एक एक बच्चों का ध्यान रखा, लड़कियों की खास करके। तो ये कहना कि शिक्षा नहीं है गलत होगा। किसका आंकड़ा सही है, किसके डेटा सही है? पूरे आवाम आपसे पूछ लीजिए, बिहार में शिक्षा नाम की कोई चीज नहीं है, ये प्राइमरी स्कूल से लेकर कॉलेज तक बंद है। मैं नीचे तभी आऊंगी जब आप पीछे जाएंगे। आप किसी भी कॉलेज में चले जाइए। मैं नीचे तभी आऊंगी जब आप पीछे जाएंगे। चले जाइए पीछे। हाँ मैं आती हूँ आपके पास। हाँ और सिर्फ दरमाहा मिल रहा है, शिक्षक नहीं है। पूरे गोयनका कॉलेज में जहाँ 7-7 टीचर होते थे आज मात्र 7 से 9 शिक्षक हैं। अच्छा वैसे ये बात सही है क्या सर? आज शिक्षक नहीं मिल रहे हैं, लेकिन 2004 और रालू के शासन में एक आदमी नहीं दिखता था सूर्यास्त के बाद? बंद रहता था। स्कूल व्यवस्था बंद होती थी, 5 बजे के बाद घर से लोग नहीं निकलते थे। कांग्रेस के जमाने में था, तो चरवाहा के जमाने में, राजीव जी के जमाने में। कल भी पूछ रही थी ये चरवाहा क्या है, चरवाहा किया था उन्होंने। दूसरी बात नीतीश कुमार के राज में शिक्षा विभाग चौपट हो गया, कहीं भी कोई स्कूल और कॉलेज में विद्यार्थी नहीं है और न टीचर है। महाविद्यालय खोलने का काम किया था। ये जिस समय राजद की सरकार थी, कांग्रेस उसके साथ थी, पूरे बिहार को चरवाहा विद्यालय बना दिया था। आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार थी, हमारी जो बेटियां हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं जो नहीं पढ़ पाती थी, बड़े पैमाने पर साइकिल के साथ चढ़ करके स्कूल जाती है और देखते बनता है। यहाँ से मुजफ्फरपुर ज्यादा दूर नहीं है, हॉस्टल कांड याद दिलाऊं क्या आपको? कितना दूर है, हमारी बेटियां स्कूल जा रही हैं, कैसे भूल सकते हैं? स्कूल नहीं आप लोगों के साथ ही लिप्त पाए गए थे उसमें, उसकी जांच हुई उसके उसके बाद आप यहाँ बड़े बड़े दावे और वादे कर रहे हैं। असलियत क्या है वो पूरे देश ने देखी है। मैं बता दूं बिहार में नीतीश कुमार जी ने जो मुजफ्फरपुर में घटना घटी बालिका गृह कांड है, ऐसा सर्वनाश घटना पूरे देश में कहीं नहीं घटा। और मुख्यमंत्री जी के जो सबसे करीबी लोग थे, जिसने बालिका गृह संचालन करने का काम किया, मैं आईपीआरडी का मिनिस्टर था, मैं मिनिस्टर था, और उन्होंने विज्ञापन दिया उस पेपर वाले को जिसने लालू जी के राज में चला रहा था। ये सोने की चिड़िया हो गया था बिहार। मैं ये नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ श्री नीतीश कुमार जी के अब जाने का वक्त है, और श्री नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली से जाने का वक्त है। उन्होंने कोई वादे पूरे नहीं किए हैं, इसलिए जनता उनके खिलाफ है। पीछे जाइए तो मैं आऊंगी। पीछे जाइए। प्लीज आप लोग शांति बनाए रखे। सर सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है, बीजेपी के साथी से है, अरे चुपिया भाई, कि जिस तरह नरेंद्र मोदी ने जनधन से
गरीबों का खाता खुलवाया धोखा देकर के, उसमें पैसा डाले हैं। आज गरीब उसमें पैसा डालता है तो मिनिमम बैलेंस पे पैसा कट जाता है। आप यहाँ सभी मोदी भक्त अंधभक्त ये बताए कि मिनिमम बैलेंस गरीब के खाता में होता है या अमीर के खाता में, बताइए बताइए कुशवाहा साहब प्लीज बताइए। ये जनधन खाते जो खुले हैं आजादी के बाद जो कांग्रेस की सरकार थी उन लोगों ने गरीबों के बैंक से वंचित रखा था, उनके खाते नहीं खुले थे। 32 करोड़ लोगों के जनधन खाते खुले, जनधन खाते, सुन लीजिए, बहुत बधाई सर, जनधन खाते खोल दिए आपने, मैं तालियां बजा देती हूँ, हमारी बात बहुत बढ़िया काम किया, आगे बताइए ना, आगे बताइए, हंगामा नहीं करो, हंगामा नहीं करो, बता देते हैं बुरा परिणाम होगा इसका, हंगामा नहीं करो, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, बता देते हैं। मैं भाजपा कैंडिडेट, मैं भाजपा कैंडिडेट से पूछना चाहता हूँ कि ये माता जनक जननी माता की जन्मस्थली है, और अरे यार माता जनक जननी की जन्मस्थली है, पिछले 15 साल से इनका शासन काल रहा है, पिंटू बाबू के फादर रहे यहाँ पे। भाई सवाल आप लोगों से है, सवाल आप लोगों से है, नारेबाजी करके चुनाव जीतेंगे, नारेबाजी करके चुनाव जीतेंगे कार्यकर्ता, नारेबाजी करके चुनाव जीतेंगे। बता दूं अब कौन नारेबाजी करे मुझे मालूम नहीं, लेकिन शांति से सवालों का जवाब होना चाहिए। हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि शांति से, अब मोदी आने वाला नहीं है, जीते जाएंगे वो 15 लाख दिया नहीं, झूठ बोला, जुमलेबाजी करना तो मोदी जी का काम है, ये क्या हो रहा है, ये तो पूरे देश में नारेबाजी या जुमलेबाजी के बाहर सरकार बनाना चाहते हैं, वो मोदी जी चुनावे लड़ना चाहते हैं जुमलेबाजी करके और देश को बांट के, ये उनका काम है। सर जुमले वाले नारे तो आप लगा रहे हैं ना कुशवाहा जी, नारे मैं एक ही सवाल पूछ रही हूँ, जहाँ जाते हैं कार्यकर्ता मुद्दे कम और नारे ज्यादा लगाते हैं। देखिए ये तो मैं कहूँगा ऐसा नहीं होना चाहिए, कार्यक्रम है, कार्यक्रम को चलने देना चाहिए, कार्यक्रम को चलने देना चाहिए, शांति बनाना चाहिए साथियों को। बट मैं ये जरूर कहूंगा मोदी जी का जो लहर है, मोदी जी ने जो काम किया है, जो उन्होंने देश का नाम रोशन किया है, उसके उत्साह में मोदी लोग करते हैं। अरे बाप रे, मोदी जी के चक्कर में आप नीतीश कुमार को भूल गए, नीतीश कुमार को भूल गए मोदी जी के चक्कर में। नहीं नहीं, नीतीश कुमार को कैसे भूलेंगे, लेकिन ये मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है, नीतीश कुमार को भूल गए। नहीं नहीं नहीं, मैडम मोदी जी में अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है, किसी समय पलटी मारेंगे नीतीश कुमार जी मोदी जी को। नहीं नहीं, हम लोग अतुला नहीं है, अतुला नहीं है, हम लोग नीतीश कुमार की पलटी मारते हैं, और हम तो हमेशा, हम तो शरद यादव जी के साथ हमेशा से रहे हैं। देखिए हम तो मैडम एक मिनट मुझे दीजिए, हम लोगों ने एनडीए के तरफ से इनको मदद किया था, इनको जिताने का काम किया था, ये दल बदलू हैं, दल छोड़ के चले गए हैं, अभी नीतीश कुमार की नौकरी कर रहे हैं, मैं पहले मोदी जी के बाल और नाखून कटवा के बिहार हुआ है तो आपने भी तोड़ा ना। अरे शांति बनाइए, पहले शांति बनाइए, आप लोग शांति बनाइए, गलत है, गलत बात है, शांति बनाइए, शांति बनाइए, आप लोग मैं शांति से रहिए, सभी दल के प्रतिनिधि हैं। मैं माधुरी यादव कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ, मैं लोगों को शांत कराइए, आप लोग कोई कारगर बात नहीं हो रही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो जनप्रतिनिधि लोग यहाँ खड़े हैं, ये लोग कोई नरेंद्र मोदी, कोई लालू यादव, कोई महागठबंधन की बात करते हैं, ये सब लोग एक ही चट्टे बटे हैं। यहाँ 2000 से ज्यादा लोगों की भीड़ नहीं है, ये 2000 का भीड़ निर्धारण नहीं करेगा वोट का, यहाँ अर्जुन राय, आप सबके सब एक तरीके हैं, आप सब पर आरोप ये लग रहा है, पहली बार ऐसा है कि जनता कुशवाहा जी आरोप लगा रही है, आप सब दल बदलू हैं। देखिए ऐसी सीट है जहाँ पर कोई किसी का नहीं है, सब दल बदलू है। मेरी एक बात सुनिए मैडम रूबिका जी, एक मेरी बात सुनिए, आपने कहा कि मोदी जी के चक्कर में नीतीश जी को भूल गए, ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है,
और जब मुख्यमंत्री की बात आएगा तो फिर बिहार में नीतीश कुमार जी का ही सरकार बनेगा। मेरा कहना है कि इस बार मोदी जी को कोई नहीं रोक सकता प्रधानमंत्री बनने से, कोई नहीं रोक सकता। मोदी जी, मोदी पुराण चल रहा है यहाँ पर। हाँ, मोदी पुराण सर, आप लोगों की जनता है। मैं तो आपके शहर में आई हूँ। जनता सभी दल के समर्थक है। मैं आपके शहर में आई हूँ। जनता सभी दल के लोग हैं। मैं आपके शहर में आई हूँ। क्या ये सारे वोट डालने भी जाएंगे? जनता या सिर्फ नारे लगाएंगे? ये सब वोट डालने वाले हैं। ये बीजेपी के लोग मोदी मोदी करता है। ये चौकीदार चोर है और चौकीदार को थानेदार ठीक करने वाला है। ये चोर का जिम्मेदार लगाता है। मैं आज एनडीए के लोगों से, मैं युवा की तरफ से, देश की नौजवानों की तरफ से और सीतामढ़ी के युवाओं की तरफ से पूछना चाहता हूँ कि युवाओं को रोजगार कब मिलेगा? युवाओं को शिक्षा के लिए कैसे काम होगा? आज सीतामढ़ी में शिक्षा की हालत खराब है। हमें पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है। और आप देख लीजिए आज किस तरीके से इस कार्यक्रम, इस बार रंगा बिल्ला की भूमिका में यहाँ आए। दोनों पार्टियों का जमानत जब्त हो जाएगा। ये लोग विकास को ताक पर रख करके जाति धर्म की राजनीति करते हैं। ईवीएम का अर्थ होता है एवरी वोट फॉर मादर। नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया, एक भी वादा 5 साल में सुनाई नहीं दे रहा है। क्या अर्जुन राज जी दोबारा सीतामढ़ी दंगल राज की वापसी चाहते हैं? अर्जुन राज जी सीतामढ़ी में दोबारा दंगल राज की वापसी करना चाहते हैं? ये नहीं होगी फिर अकबर मोदी सरकार। अर्जुन राज जी आपके लिए सवाल है। लोगों में बड़ा गुस्सा है, लोगों में बड़ा गुस्सा, लोगों में अपार समर्थन है। ये मोदी पर गुस्सा है और नीतीश कुमार ने पहलवान बदल दिया। उनके पास उम्मीदवार नहीं है। नीतीश कुमार खुद आके फरिया ले, हम उन्हें चुनौती देना चाहते हैं। इसलिए युवाओं के लिए अभी तक किस संसद ने कुछ नहीं किया है? आखिर छात्र और युवा किस आधार पर किसी को वोट देंगे? ये आम युवा का आवाज है। कोई भी सांसद अभी तक युवा के लिए कोई काम नहीं किया। मैं कांग्रेस से सवाल, महागठबंधन से यह सवाल करता हूं। उनका अभी एक नारा है, अब न्याय होगा। तो क्या उन्होंने 70 साल तक अन्याय किया था? आपके लिए है, आपने 70 साल तक अन्याय किया, जो आज 70 साल तक अन्याय किया, जो आप राहुल गांधी को न्याय याद आ रहा है। 70 साल में कांग्रेस ने इतना काम किया जो आज मोदी के मुंह से बोली निकल रहा है। मोदी ने 5 साल में क्या किया? झूठा जुमलेबाजी किया। 5 साल वर्सेस 70 साल करेंगे शुक्ला जी आप? 5 साल वर्सेस 70 साल करेंगे आप? जो काम आप चैनल 70 साल में नहीं कर पाए, आप 5 साल में करना चाहते हैं। मोदी को जिंदा किए हुए हैं। हमने जितने टाइम सवाल मोदी से पूछे हैं उतना किसी ने नहीं पूछा है। लेकिन ये बताइए, 70 साल में आप गरीबी नहीं हटा पाए? चैनल के लोग जिंदा किए हुए हैं। 70 साल में आप गरीबी नहीं हटा पाए? साल में जो किया कांग्रेस ने किया, जो आप देश कहाँ से कहाँ है? सारा काम 70 साल में हो गया। कोई नहीं करता। हिंदुस्तान को तो दुनिया का सबसे पावरफुल देश बन जाना चाहिए था ना? 70 साल में जो दिया वो किसी ने नहीं दिया। अरे कुछ नहीं किया। बिहार तो जंगल राज की स्थिति में इन लोग का नेतृत्व में शांति बनाइए। आप पटना से सीतामढ़ी नहीं आ सकती थी, अब आप 3 घंटे में सीतामढ़ी आ जा रही हैं। नेपाल बॉर्डर पर आप 4 घंटे 3.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। गांव गांव में सड़कें बनी हैं, नीतीश और मोदी के नेतृत्व में बना है। कुछ महिलाएं हम एबीपी न्यूज को सीतामढ़ी जिला में मां जानकी के धरती पर आने के लिए धन्यवाद देते हैं। देश का प्रधानमंत्री हमको चुना है, यहाँ हम अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे। एक तरफ राहुल जी प्रधानमंत्री की गरिमा को खत्म कर रहे हैं, चौकीदार चोर है, और वह खुद प्रधानमंत्री बनने के दावेदार हैं। तो उनको तो प्रधानमंत्री का सवाल किसके है? सवाल किस पे आपका? सवाल हमारा, सवाल दिए मेरा सवाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, नीतीश कुमार से। इनका नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी बचाओ बेटी, आप फेल हो
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में महिलाएं यहाँ पर हैं। ये महिला हमने जो काम किया है, लड़कियाँ घर से नहीं निकलती थी, आज जो लड़कियाँ साइकिल पर निकलती है, लड़कियाँ साइकिल पर निकलती है, आरक्षण देने का काम किया है। दर्ज करवाइए क्या किया FIR? कहाँ है FIR दिखाइए। आप अनर्गल बातें नहीं कर सकती है ना। हाँ तो आप लेकर आइए कागज पत्र लाइए ना। अनर्गल बयान मत दीजिए, अनर्गल बयान नहीं। पैमाने पर सरकारी नौकरियों में आई है। आप फेल है क्या नीतीश कुमार के राज में? शिक्षा विभाग ही फेल है बिहार में। शिक्षा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कोई कहीं कोई फायदा नहीं है। देखिए इस देश में बिहार जैसा कोई राज्य नहीं होगा जहां महिलाओं के लिए नेता नीतीश कुमार जी ने काम न किया हो। यहां आज के डेट में आप देखिए लड़कियों के लिए जन्म से लेके और उनके ग्रेजुएशन तक लड़कियों की पूरी जिम्मेवारी सरकार उठाई हुई है। क्या ये सच है? लड़कियों के लिए जो काम किया कुशवाहा साहब रुकिए ना, महिला है ये, महिला सशक्तिकरण। आज इस बिहार में आज महिलाओं की जो स्थिति है, जो बच्चियों की स्थिति है, वो किसी से नहीं छुपी है। आज सबसे सुरक्षित बिहार में ही महिलाएं हैं। और आज हमने जो वादे किए थे कि महिलाओं को पढ़ाओ बचाओ, एक महिला बोल रही है, एक महिला बोल रही है सुरक्षित है। महिलाओं की बात हो रही है क्या? देखिए देखिए इनको 2005 से पहले का बिहार इन्होंने नहीं देखा। हम लोग 2005 से पहले बिहार में महिलाओं को इस तरह से देखते नहीं थे जैसे आज देख रहे हैं। बेटियों के जन्म होने के समय ये सच है। आज महिलाएं 24 घंटा रोड पे हैं। मुजफ्फरपुर आज महिलाएं हर क्षेत्र में हैं। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड जो हुआ है उसमें महिलाओं आरक्षण मिला 50%। महिलाओं को लेकर राय साहब, महिलाओं को लेकर आपके पास क्या आंकड़े हैं? क्या बिहार की महिलाएं सुरक्षित हैं? आप है? आपका जिंदा उदाहरण है कि मुजफ्फरपुर में जो बालिका गृह कांड हुए उसका संरक्षण श्री नीतीश कुमार जी ने दिया। और जो बालिका गृह कांड में इनके एक जो पूर्व MLC है संजय झा, उन्होंने भी बालिका गृह कांड का संचालन किया। और ब्रजेश ठाकुर ने जो मुजफ्फरपुर में बालिका गृह कांड का संचालन किया उसका पोषण बिहार सरकार ने किया, श्री नीतीश कुमार जी ने किया। इसलिए महिलाओं के साथ भारी अत्याचार किया इन्होंने। एक सवाल, महागठबंधन वाले बोल रहे हैं कि चौकीदार चोर है तो लालू यादव काहे जेल में है? लालू यादव, आप लोग नारे लगा रहे हैं चौकीदार चोर है तो लालू यादव क्या है? मैं बता रहा हूँ चौकीदार फ्रॉड है, चोर ही नहीं फ्रॉड है। ये थानेदार उनका इलाज करने वाले हैं, इसलिए चौकीदार की चौकीदारी नहीं चलने वाली है। बोल दीजिए चौकीदार, लोग बोलता है चोर है। हम रमेश महतो से कहना चाहते हैं कि डॉक्टर वरुण कुमार को टिकट छीन लिया गया नीतीश कुमार पैसा दे के, और तो इसका क्या होना चाहिए? हमारे सुनी समाज से पप्पू कुमार बोल रहे हैं। अरे डॉक्टर साहब का टिकट, डॉक्टर साहब का टिकट क्यों काटे भाई? टिकट नहीं छीना गया है, उन्होंने खुद रिफ्यूज किया है। क्यों रिफ्यूज किया? कि हम डॉक्टर हैं। आप बड़ी खबर दे रहे हैं, क्यों रिफ्यूज किया है इनकी? कोई उपाय नहीं है, कोई अता पता नहीं है NDA का। यहाँ हम वही करेंगे, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। जा करके वो रिक्वेस्ट किया सिंबल लौटाया है, कहीं 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 छीनने का काम नहीं। डॉक्टर साहब तो ये भी है, आपको डॉक्टरी नहीं करनी है क्या? मैं आपको बता दूं नीतीश कुमार फेल है। हम नरेंद्र मोदी से लड़ना चाहते हैं, अगर नीतीश कुमार मेरे खिलाफ लड़के इस बार बराबर में आ जाए तो राजनीति छोड़ दूंगा। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को चुनौती है, इसलिए वो अपने कैंडिडेट को लेकर भाग चुके हैं। उन्होंने खुद रिफ्यूज किया है, इसलिए हार गए हैं। इन्होंने कबूल किया इनके उम्मीदवार रूबिका जी, इनके उम्मीदवार को अच्छी तैयारी थी आपकी, उम्मीदवार आ नहीं पाए। इतनी अच्छी तैयारी थी, नहीं है को आ जा रहा कि पहले टिकट दे दिया और उसके बाद उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। दिया हमने समाज सेवा कर रहे थे, वो आए जब 10 दिन घूमे तो उनको लगा कि हम डॉक्टर ही अच्छे हैं। अब आखिरी पड़ाव में आप नीचे उतरिए, पहले नीचे उतरिए, नीचे उतरिए, नीचे उतरिए। कांग्रेस प्रवक्ता से मेरा सवाल है कि राहुल गांधी हमेशा बोलते हैं चौकीदार चोर है, ये एक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उनको चोर कहना ये बहुत गलत बात है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो क्यों कहते हैं? आपके लिए सवाल है,
प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे आदमी को चौकीदार चोर है की उपाधि देना, तो बताइए ये शोभा देता है? नहीं, राहुल गांधी जी ने कहा है सुप्रीम कोर्ट चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। तो चौकीदार कौन है? चौकीदार चोर है, मैंने अरे तो कौन है चौकीदार? जो अपने नाम के आगे चौकीदार लगाया है। राहुल गांधी चोर है। कौन है चौकीदार? राहुल गांधी चोर है। चौकीदार बता ही नहीं रहा। राहुल गांधी के पिताजी बहुतों ने लगाया हुआ है चौकीदार। जो चौकीदार चोर है आप पूरे नाम के आगे तो आपने एक ही चौकीदार सबको पेंट कर दिया। चौकीदार चौकीदार बोफर्स में दलाली लेने का काम किया था। हमारी दलाल से इनके मामा मामा इनके दलाली लेने का काम किया था। इटली की रानी ने पैसा लेने का काम किया है। अरे आप क्या नारेबाजी कर रहे हैं, अच्छा लगता है, शोभा देता है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया राहुल गांधी को जवाब देने के लिए। लालू यादव चोर है, लालू यादव चोर है, लालू यादव चोर है, लालू यादव चोर है, बांटना चोर है। देखिए यहाँ इस तरीके से मैं बहस करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। मैम सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है खरीद बिक्री हो गया है। 13 करोड़ में उनको दिया गया टिकट, फिर वापस लिया गया, उनको एक तरह से उनको नीचे दिखाने का काम दिया गया। और मैम ये जो है 13। और आप लोग ऊपर कैसे आए? नीचे उतरिए, सबके सब नीचे उतरिए, नीचे उतरिए आप लोग। ये जो है 13 करोड़, आप आपके शहर में आई हूँ, आपके शहर में आई हूँ सवाल करने के लिए, और आपने मुझे और आप लोग मुझे यहाँ खड़ा रहने पर मजबूर करेंगे। पीछे जाइए आप, मैं नीचे आ रही हूँ। क्या? अरे तो नीचे उतर के आऊंगी ना, नीचे उतरे। मैं पूछना चाहता हूँ, सीतामढ़ी में टिकट देकर टिकट लेकर सूरी समाज को, पूरे बिहार सूरी के समाज को बेइज्जत करने का काम क्यों किया गया? सीतामढ़ी में कोई विकास नहीं हुआ है अभी तक। जो भी जो है इससे पहले राम कुमार शर्मा थे, वो भी कोई काम नहीं किए हैं। हमारी मीडिया की क्यों सपोर्ट कर रही है? कौन क्या मीडिया क्या चाहती है? हिंदुस्तान में सरकार किसकी बने? हम मीडिया से ये सवाल करना चाहते हैं। एक बात बताइए, प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है कि वो सैनिक के नाम पे वोट मांगे, शहीद के नाम पे वो वोट मांगे? सेना के नाम पर वोट मांगते हैं, सवाल आया। सेना के नाम पर वोट मांगेंगे आप लोग? सेना के नाम पर वोट मांगेंगे? नहीं नहीं, सेना के नाम पर नहीं मांगेंगे। बड़े बड़े पोस्टर लगाए हुए हैं आपके, बड़े बड़े नेताओं के पोस्टर लगे हुए हैं। पराक्रम किया है उसका जिंदाबाद बोलते हैं। सेना पर हमें गर्व है। भारतीय सेना काम करने का काम किया है, पाकिस्तान को जवाब देने का काम किया है। तो सेना ने किया है ना? क्या हुआ था 1971 में? क्या हुआ था? 150 सैनिकों ने साइन करके ये कहा है कि सेना का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सेना का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनका जिंदाबाद बोलते हैं। सेना का इस्तेमाल का जिंदाबाद। चलिए, सेना का इस्तेमाल बोलना कोई जुर्म नहीं है। सेना पर मनोज तिवारी जी जो इनके अध्यक्ष हैं दिल्ली के, उन्होंने ही सेना का पाकिस्तान का वोट मांगने का है। इससे ज्यादा सबूत क्या हो सकता है? 3 राज्यों में मेरी सरकार बनी, जब ये देखे कि पूरा इनका फेल कर गया, तब पुलवामा घटना का साजिश रचा इन्होंने। तो क्या जरूरत थी नवजोत सिंह सिद्धू को देश की सेना पर सवाल उठाने की? नहीं, सेना पर सवाल नहीं उठाया गया। तो क्या सेना ने जाकर पेड़ गिराए थे? सेना को राजनीतिकरण करने की बात। अरे ये इस्तेमाल करते हैं आप, सवाल करते हैं। मुझे अब आप लोगों से इजाजत लेनी है। सीतामढ़ी की जनता आप देखिए, इतने सवाल लेकिन सारे सवाल इन नारों में जो है वो दब कर रह गए हैं। इस बार चुनाव साफ तौर पर ऐसे ही नजर आ रहे हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं। आज
सीधा सवाल में इतना ही। अब अगली मुलाकात आपसे मुजफ्फरपुर से होगी। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज़।